कसम से मैंने नहीं काटा, वो कट गया। वहाँ कब्र बिज्जू घुस जाएगा। अरे तो उससे कैसे घुस जाएगा? कैसा रहा? इस वाले घर को देख के इतनी जलन हो रही है ना, इतनी जलन भाई। इतने सारे आम रनिंग बॉक्सर देखो बस वो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कंट्री व्लॉग से एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज पता है बहुत जल्दी उठ गया हूँ मैं, देखो 5:30 हो रहा है अभी, 5:31 हो रहा है। और गाइस आज जल्दी उठ गया, मतलब नींद खुल गई, अपने आप ही नींद खुल गई। और गाइस आई मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो चुका हूँ, पता क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं टहलने चलते हैं मस्त, क्योंकि भाई आम वगैरह लगे ना पेड़ों पर, तो भाई वो भी गिरे होंगे है ना, शाम के टाइम रात के टाइम हवा चलती है गिरेंगे पक्का, गिरे होंगे। तो चलते हैं गाइस मस्त टहल कर आते हैं। और वैसे कोई उठा नहीं है अभी घर पर, सिर्फ मम्मा और मैं उठे। और एक बार मैं हर्षित को और दिव्यांश को उठाने का ट्राई करता हूँ, कहता उठ जाए है ना। सुबह सुबह का माहौल कितना मस्त होता है ना यार, तो कुछ शांति होती सुबह के टाइम में, ये भाई ये बेस्ट है ना। दोपहर में रात में घिचर पिचर घिचर पिचर घिचर पिचर, सुबह के टाइम पे सबसे बेस्ट। मम्मा मम्मा मैं जा रहा हूँ टहलने, ठीक है? वो तो उठेंगे नहीं दोनों, अभी नहीं उठेंगे ना, काम करते हैं अकेले ही चलते हैं, उनको उठाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि भाई उनको स्कूल भी जाना होगा अभी है ना। तो हम चलते हैं अकेले ही है ना। और मैं यहाँ के देख रहे हो बिल्कुल लाल पड़ी है, बिल्कुल लाल। और गाइस पता है कल मैं भूसे के कट्टे की बात कर रहा था ना आप लोगों से, पिछले वाले व्लॉग में करी होगी मैंने, तो भाई पता है ये जो जितने भूसे कट्टे हैं ये देख रहे हो यहाँ पर, ये कट्टे कह रहा हूँ, ये जो मतलब इतने बड़े ट्रॉलियाँ आती हैं जिनमें भूसा आता है, भाई पता है सब लोग सुबह के टाइम पे इस जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट अपना जो वेट होता है ना वो दब पाते हैं, यहीं से इनका जो भूसा वगैरह होता है ना वो बिक भी जाता है सबका। भैया का रनिंग पोस्चर देखो क्या मस्त भाग रहे हैं भैया, वो देखो रनिंग पोस्चर देखो बस वो। ये देखो भाई कितने मस्त जगह पे आम है ना, ये देखो, लेकिन किसी घर में भाई ऐसा नहीं जाया जा सकता, यहाँ पर कितना नीचे लगे वो देखो, ये बहुत ज़्यादा नीचे नीचे आम है ये भाई, हम इनको तोड़ नहीं सकते वरना तो आराम से टूट जाएगा ये, मेरी हाइट के हिसाब से आराम से तोड़ दूँ आराम से, किसी घर में है ना इसे नहीं तोड़ सकते हम। इधर भी सेम जस्ट यही हाल है, पूरा पेड़ भरा है आमों से, पूरा आम का पेड़ तो ये भी है। और भाई मुझसे रुका नहीं जा रहा है अब, भाई मैं नहीं देखूँगी कोई घर है या कुछ है, मुझे इस वाले पेड़ से एक आम तोड़ना है, तो तोड़ना है। हाँ ताना मैंने एक आम तोड़ूंगा, तोड़ दिया ये देखो, लेकिन पता नहीं क्या निकल रहा है इसमें से, क्योंकि आम बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश। ये लोगों ने डॉगी बिठा रखे हैं अपने घर के आगे, जिससे कि आम ना तोड़ सके कोई। अच्छा तोड़ता मैं, वो भव भव करने लग गया। अगर ये मेरा घर होता ना तो उसमें से एक आम नहीं छोड़ता मैं, एक भी आम। भाई मैं तो सारे आम तोड़ देता है जितने भी है। ये जो कुत्ता बैठा रखा है वहाँ पर अंदर कोई, वो भौंवा करने लग जा रहा है जैसे कूदो। इस वाले घर को देख के इतनी जलन हो रही है ना, इतनी जलन भाई, इतने सारे आम है इतनी छोटी छोटी जगहों पे, क्यों नहीं तोड़ रहे होंगे भाई ये, तोड़ो प्लीज़ तोड़ो, वरना हम जैसे बेचारों को तोड़ने दो, इतना मन करता है ना तोड़ने का भाई, आम क्या बताऊँ मैं। आज हमारे नसीब में एक ही आम होगा, तो एक ही आम मिला हम लोगों को। मम्मा ये लो, एक आम मिला मुझे, मतलब ये सबसे छोटी, और ये सबसे छोटी जगह पे था, सबसे छोटी जगह पे था ये, औरों के घर के अंदर थे ना, वरना तो और सारे भी तोड़ देता मैं। अभी गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ कार वाले प्लॉट पे, और भाई ये और ये लड़ रही थी अभी ये दोनों, मम्मी ऐसा कैसे हो गया भाई? वो उसका मतलब ये ना, ये जिसका खाना है वो खा रही थी, तो इसको गुस्सा आ गया अपनी मम्मी पे, तो ये मार रही थी अपनी मम्मी को। ओए ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा तेरे को? मम्मी ये भी कहीं ऐसे ही ना बन जाए इसकी तरह, वो तो उड़ा देगी मुझे है ना। वो देखो अब देखो अपनी मम्मी से लड़ रहे, वो देखो वो देखो कैसे लड़ाई चल रही है इनमें। चलो अब चलते हैं दोबारा से घर पर। और अभी गाइस दिव्यांश और हर्षित जा चुके हैं स्कूल, पापा छोड़कर आ गए थे उन्हें, और मम्मा ने मुझे दे दिया है दूध, लेकिन दूध भी पीते रहेंगे साथ ही साथ, भाई काम करना है कॉलेज का, और शायद आज कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा कुछ काम से, एक फाइल जमा करनी है, मतलब लैब लेनी है केमिस्ट्री की, आखिरी लैब है आज हमारी वो, तो आज चलेंगे फटाफट से सारा काम कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर चलेंगे कॉलेज और सबमिट कर आएंगे। गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:51, और तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, क्योंकि भाई पता ही आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ेगा, और जो भी काम था गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मम्मा ने भी खाना बनाया था चावल और डुबके, तो भाई वो भी खा लिए मस्त। और अभी गाइस थोड़ी देर बाद हम लोग निकलते हैं, पता है कहाँ के लिए निकलेंगे? कॉलेज के लिए, चलते हैं कॉलेज। मम्मा बाय बाय। चलो भाई मम्मा से बाय कर दिया, अब निकलते हैं सीधे कॉलेज के लिए। क्या
कुंडी इन गेटों में ये लो। आ चुके हम लोग अपनी लैब लेने, केमिकल डिपार्टमेंट मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सामने वो देखो है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से यहाँ पे। और गाइस चलो अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। हम लोगों की भाई जो भी था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। कहाँ जाना है बताओ? अब हॉस्टल चलिए। हॉस्टल मैं तो गाइस चलो हॉस्टल चलते हैं, सभी लोग जा रहे हैं ये देखो है, तो हम भी चलते हैं। मेरा मन तो बहुत कर रहा था हॉस्टल जाने का लेकिन मैं वापस ही आ गया, मतलब गेट से आकर वापस आ गया जस्ट, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया घर से है ना, तो बाइक उठाते हैं दोबारा से निकलते हैं अब सीधे घर के लिए। अभी मैं गाइस आया हूँ घर पर भाई, इतनी तेज भूख लग रही है ना मुझे, इतना थक गया मैं, पहले कुछ खाऊंगा मैं फटाफट से, कुछ खाता हूँ। मम्मी मम्मी मम्मा भाई तूने कुछ खाया क्या? नहीं। हैं क्यों? अभी लूंगा। थप्पड़ खाएगा फिर? मम्मी पैसे नहीं, मुझे उसको पैसे दोगी तो मुझे भी दोगी है, मुझे भी देने पड़ेंगे ध्यान रखना। तो ये हैं गाइस दो, ये खाएंगे और यहाँ पर हमारे साथ पराठे ये खाएंगे। चलो मैं खाना खा लेता हूँ, बहुत ही भूख लग रही है यार, बहुत खाना क्या मस्त हो रहा था भाई, पेट भर गया मेरा तो, फुल फुल टाइट हो गया पेट भाई। यहाँ पर कच्ची केरी रखी है देखो, पापा पता नहीं कहाँ से लाए कच्चे आम इतने सारे, वैसे आज सुबह मैं भी लाया था एक छोड़ के, मैंने मम्मा को दे दिया था। अरे पका हुआ आम भी तो पड़ा है एक, ये देखो पापा से पता करता हूँ खा लूँ, कल बड़े पापा ने छीन लिया था मुझसे। पापा खा लूँ, खा लूँ एक प्रॉपर आम नहीं है ये, मतलब आम तो है दिखने में तो लग रहा है लेकिन इसको इंजेक्शन वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी इतने आम पकते नहीं है ना दीदी, बड़ा ही नहीं हुआ है आम ये भाई, इंजेक्शन वाला आम है पक्का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज दिव्यांश काफी सालों बाद ब्लॉग में आएगा है ना। कहाँ था तू भाई? घर पे। कहीं घर पे नहीं था भाई, खेलने निकलता है और सुबह निकलता है शाम को आता है, आजकल ये हाल हो रखा है। सुबह निकलता हूं। भाई वो क्या कर रहा है वो देख, तेरा दोस्त क्या कर रहा है, कौन सी वीडियोस देख रहा है वो देख, पता नहीं कौन सी वीडियोस देख रहा है वो देख, सामने देख ना लेटा हुआ है मस्त, उसके पापा है अंकल है वो देखो, अंकल है। मेरी मम्मी तो फोन ही चलाती रहती है बस, मेरी मम्मी को और कोई काम तो है नहीं, ना खाना बनाना है ना कुछ करना है ना। पैदा क्यों करा जब खाना नहीं खिलाना था, पैदा क्यों करा ये बताओ, खाना खाने के लिए पैदा हुआ था। और क्या? ओए ओए ये चाकू देख, चाकू इसे काट दूं, काट दूं हैं, काट देता हूं। मम्मी से मत बोलना बस तू, मैं कर रहा हूं चाची। 1 2 3 कट गया। मम्मी से नहीं हाँ क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा कुछ भी नहीं करा भाई, फालतू की बातें कर रहा है ये, कौन सा नाला काटा है? कुछ नहीं काटा मम्मी, मैंने कुछ नहीं काटा सच में, नहीं मैंने कसम से मैंने नहीं काटा, वो कट गया। कब्र बिज्जू घुस जाएगा। अरे तो उससे कैसे घुस जाएगा, क्यों खिड़की खुलेगी तो कब्र बिज्जू नहीं घुसेगा अंदर है? मम्मी यार इससे थप्पड़ मारने वाले को बात नहीं थी। पापा पता है कब्र बिज्जू आया था और पता है अंदर वाले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पॉटी करके गया, थप्पड़ पड़वाया ना मुझे, थप्पड़ पड़वाया ना तूने, तो चल नहीं चला। ये ले और बोल कैसा रहा, कैसा रहा बता, अब आया मजा ऐसी शिकायत करी थी ना मेरी, ऐसी करी थी ना शिकायत, मत कर हो पापा के फोन में पानी, पापा के फोन में पानी, अभी क्या अभी पागल हुए, मेरे फोन में पानी चला गया भाई, मेरे आईफोन में पानी चला गया, पागल नहीं तो भाई, बर्फ का पानी डालना है मेरे ऊपर भाई, होली चल रही है क्या भाई, पापा के फोन पानी डाल दिया, ऐसे देखो नए वाले फोन में, ये देखो कैमरे पे, साफ कर जल्दी साफ कर भाई, अपने गीले कपड़े साफ कर रहा है पागल नहीं तो। दिव्यांश कम दिमाग का हो रखा है, ये देखो मेरे कपड़े पूरे भिगा दिए पीछे से, ये देखो पूछा लगा सब पूछा लगा, जल्दी लगा फटाफट जल्दी। अभी अब आ गए हम लोग खाना खाने और यहाँ पर मम्मी ने बनाया आज बैगन का भरता और यहाँ पर है हमारे पास आलू, ये अलग तरीके के आलू थोड़े से, और यहाँ पर रोटी है। वैसे तो गाइस मुझे भूख नहीं लग रही है लेकिन एक रोटी खाएंगे है ना। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर, फटाफट से एडिटिंग करने बैठता हूँ मैं और यार लोग को हम लोग यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप जो लोग आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कल से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।